आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम चर्चा। वैसे तो हमारे देश में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी इस समय जो है वो अपना आतंक मचाए हुए है। लगातार हम देख रहे हैं 44 से 49 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है और जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। तो वहीं एक तरह की गर्मी और चर्चा में है, वो गर्मी है राजनीतिक गर्मी। राजनीतिक गर्मी इसलिए कहेंगे क्योंकि लगातार एक मामला है जो चर्चा में है, उसके चलते लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और दौर इस कदर जारी है कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो उस बयानबाजी के दौर में शामिल हो गए हैं। जिनका यहाँ से कुछ लेना देना भी नहीं है वो भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और जो यहाँ के हैं वो अब तक शांत बैठे हुए हैं। तो एक विषय ये भी है चर्चा का कि वो अब तक शांत क्यों हैं और जो बाहर के लोग हैं यानी जो अन्य राज्यों के हैं वो इस मामले में क्यों कूद रहे हैं और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और उनकी बयानबाजी को यहाँ के लोग कह रहे हैं कि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो केवल अपना राजनीतिक मकसद को साध रहे हैं, इसके अलावा उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और जो राजनीतिक चर्चा का बाजार है वो लगातार गर्म होता जा रहा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं ज्ञानवापी बंजर पर, जहाँ पर सर्वे हुआ, उसके बाद रोक लगी, फिर सर्वे हुआ और 3 दिन में सर्वे जब पूरा हुआ उसके बाद जो कोर्ट कमिश्नर थे अजय कुमार मिश्रा, उनको हटा दिया गया। कहा जा रहा है कि उनका एक कोई आदमी था, कोई फोटोग्राफर था जो कि लगातार सूचनाएं लीक कर रहा था। खैर, वो चर्चा का विषय है कि क्या वो सूचनाएं लीक हो रही थी, कौन था वो आदमी जिसको हटाया गया और अजय मिश्रा को क्यों हटाया गया। हालांकि अजय मिश्रा आरोप लगा रहे हैं कि विशाल सिंह और अजय प्रताप के कारण ही उनको हटाया गया है और जो अजय कुमार मिश्रा है इनकी हटाने की मांग पहले भी जो विपक्ष है उनके द्वारा की गई थी कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया जाए। हालांकि कोर्ट ने जो वहाँ की अदालत थी उन्होंने आदेश नहीं दिया था, अजय मिश्रा बरकरार रहे थे और उनकी अगुवाई में ही यहाँ पर सर्वे हुआ, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ। सर्वे के बाद लगातार सर्वे हुआ, गुंबर का सर्वे हुआ, उसके बाद कल एक बड़ा मामला सुनने में आया कि शिवलिंग मिला है, बाबा मिल गए इस तरह के उद्घोष हुआ, उसके बाद जयकारे भी लगाए गए और जयकारे के बाद फिर चर्चा मीडिया में आई और कुछ तस्वीरें भी लीक हुई। तस्वीरें किसकी हैं पता नहीं। पक्ष का कहना था कि नंदी महाराज के सामने जो शिवलिंग होता है हमेशा से, जो एक व्यवस्था है मंदिर में कि नंदी महाराज होते हैं सामने, उसके सामने जब शिवलिंग होता है कहीं भी मंदिर में देखा जाए अगर, और वैसी ही व्यवस्था यहाँ पर थी और वहाँ पर शिवलिंग मिले हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं और उनके ऊपर सीमेंट से अलग बनावट कर दी गई जिससे शिवलिंग पहचान में ना आए। तो जो विपक्ष है उनका कहना ये था कि ये शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है और इसको एक गलत तरीके से लोगों के सामने बताया जा रहा है। खैर, मामला कोर्ट में है और कोर्ट ही इसमें आदेश करेगा। फिलहाल सुनवाई इस मामले में कहा गया, जो रिपोर्ट 17 मई यानी आज पेश की जानी थी उसको 2 दिन बढ़ा दिया गया है। 2 दिन का समय विशाल सिंह और अजय प्रताप को दिया गया है कि 2 दिन बाद आप इसकी रिपोर्ट सौंपें। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जिला अदालत इस मामले में सुनवाई करे और इसमें आदेश करे। और साथ ही साथ यहाँ पर राजनीतिक मामले भी गर्म हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार इसके पहले दिन के सर्वे जब हुआ था तब भी बोले थे, उसके अगले दिन बोले, फिर बोले। पहले असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया था कि बाबरी मस्जिद छीन ली गई पर ज्ञानवापी नहीं जाने देंगे। उसके बाद अगले दिन उनका बयान आया कि बाबरी मस्जिद चली गई पर ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का आज फिर बयान आता है कि 1991 को आप जो धारा है, जो आप व्यवस्था बनाई गई है, जो नियम कानून है, उसको आप हटा दीजिए, उसको फेंक दीजिए अगर उसका कोई काम नहीं हो रहा है और यहाँ पर अन्य मुद्दों पर चर्चा ना करके यही ज्ञानवापी जो मामला है उठाया जा रहा है और मैं इसमें हमेशा से जो पक्ष रखता आ रहा हूँ वही पक्ष रखूँगा और हमारी जो सुनवाई है आगे भी चलती रहेगी और मैं लगातार इस मामले में वही बोलूँगा जो मेरा मन हो रहा है, यानी जो मेरा मन बोल रहा है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो हमेशा थी और हमेशा कयामत तक रहेगी। खैर, चर्चा अलग है। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने कल बयान दिया था कि सत्य ही शिव है और सच्चाई छिप नहीं सकती, जो सामने होता है वो एक ना एक दिन सामने आ जाता है। तो चर्चाएं गर्म हैं और लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है और साथ ही साथ अभी
जब अजय मिश्रा हटाए गए हैं तो उन्होंने भी बयान दिया है मीडिया के सामने, सुनते वो बयान, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जानकारी मुझे नहीं थी, मैं तो भाई विश्वास में ही रखा, अभी का मैं विश्वास कर रहा हूँ, आप मुझे धोखा देंगे तो मैं कुछ कर सकता हूँ? तो अब आप इस कमीशन से अलग हो गए? अब मैंने आर्डर नहीं देखा है। आज आप कोर्ट में मौजूद नहीं थे? मौजूद तो था। अच्छा, विशाल सिंह जी ने भी कहा कि आप लोग सहयोग नहीं कर रहे थे, विशाल सिंह जी ने बताया, ये लिखित में शिकायत किया है कि आप लोग सहयोग नहीं कर रहे थे, आप और अजय प्रताप सिंह। अब मैं इस पर कुछ कहूँगा नहीं, विशाल जी हैं अपना जो है वो अच्छे अधिवक्ता हैं, लेकिन उनसे उम्मीद हमें ऐसी नहीं थी। ठीक है, उनका विजय है, अपना जानेंगे। ये लग रहा है कि ये शिकायत की वजह से ही हुआ, विशाल सिंह जी की शिकायत पे ये हुआ है? जी, उन्हीं की शिकायत पे, उन्हीं की शिकायत पे। क्या सर्वे के दौरान किसी बात को मतांतर हुआ था क्या आप लोगों का? हो सकता है उनको लगा होगा, मेरे हिसाब से मैंने कोई असर नहीं किया है। अच्छा, और ये कहा जा रहा है कि सारी जो गाइडलाइंस और वो वही उन्हीं के द्वारा जारी किया जा रहा था वहाँ पर? हाँ, फिलहाल तो उन्हीं को विशेष उनको न्यायालय में किया था, उन्हीं के निर्देश में हुआ भी है, मेरे निर्देश में। तो फिर आपने इस बात को अपोज क्यों नहीं किया कि आपके निर्देशन में नहीं हुआ, तो फिर आपके ऊपर में सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? अब ये तो नहीं समझ में आया, न्यायालय ने भाई जो उसे समझा किया, मैं इसमें इसलिए मैंने कहा ना कि मैंने न्यायालय का आदेश नहीं देखा। और एक चीज़ और बता दूँ कि जो जिसको मिलना है उसको वही मिलेगा, उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा। विशाल जी का हृदय जानेगा और मेरा हृदय कि मैंने उनका सहयोग किया है कैसे। सर्वे में क्या मिला आप बता सकते हैं आप? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। आप संतुष्ट हैं सर्वे जिस हिसाब से हुआ उससे? हाँ, सर्वे से हम संतुष्ट हैं, सर्वे में कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह की मांग की गई थी क्या वो सब साक्ष मिले हैं क्या? अब इसके बारे में जब तक रिपोर्ट सबमिट नहीं होगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अपनी कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? मैं अपनी कार्रवाई से संतुष्ट हूँ और मैंने पूर्ण सहयोग किया है, उनको कहाँ सहयोग लगा वो जाना। आरपी सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि आपके कहने पर आरपी सिंह ने बातें जो है वो मीडिया में लीक की। अब आप कुछ भी कह सकते हैं सर, मैं क्यों कहूँगा, मैं खुद जब नहीं कह रहा हूँ तो दूसरे को कैसे कहूँगा कि आप लीक कर दीजिए। विशाल सिंह से इस पहले भी वार्ता हुई थी आपकी इन सब बातों पे? नहीं, हमारी कई बातें नहीं। कल रात में भी आप लोग मीटिंग कर रहे थे? आपने अजय मिश्रा जो कोर्ट कमिश्नर थे उनका बयान सुना, अब चर्चा को शुरू करते हैं। इस चर्चा में सनातन महासभा से विकास मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आजम खान जी मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं, रामनिवास यादव जी बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे, मिशम जैडी जी सपा से अपना पक्ष रखेंगे और आलोच से अंकुर सक्सेना इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो जो पहला हमारा सवाल रहेगा वो रामनिवास जी से रहेगा। रामनिवास जी, क्या मानते हैं, लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और विपक्ष कह रहा है कि बड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है, बेरोजगारी मुद्दे पर चर्चा नहीं होती है, चर्चाएं केवल ज्ञानवापी पे है, और जिस तरह से सिबलिंग मिला उसके बाद कोर्ट का आदेश आया, उस जगह को सील किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लिया, सुप्रीम ने कहा नमाज पढ़ने को मना न किया जाए, नमाज पढ़ने दी जाए, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि सिविल कोर्ट जो इस मामले को देख रहा है वही इस मामले में अपना फैसला दे। तो क्या मानते हैं, किस तरह से ये ज्ञानवापी मस्जिद को आप देखते हैं, मामले को देखते हैं? समाज की आस्था का विषय है और जिस तरह से इतने लंबे समय से विवाद चल रहा था, हिंदू पक्ष मांग कर रहा था, इसको न्यायालय ने माना और सर्वे कराया, सर्वे में जो चीज़ें दिखीं पूरे देश की आंखें फटी फटी रह गईं कि जिस क्या पूरा देश पूरी दुनिया मानती है उनको कैद करके कुएं में डाल रखा, इतनी बड़ी शिवलिंग मिली और जस्ट नंदी जी के सामने, तो जो हिंदुओं का एक मंदिर था जिसको तोड़ के औरंगजेब ने बनाया था, आज सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है। इसलिए देश का, दुनिया का करोड़ों हिंदू जिनकी आस्था शिव जी में है वो सब खुश है और सबको पूर्ण विश्वास है, हमको भी विश्वास है कि बहुत जल्द शिव जी वहाँ से आज़ाद होंगे और संपूर्ण ज्ञान व्यापी जो मस्जिद का नाम है, जैसे बावरी का था, कोर्ट के आदेश से बावरी का काम ख़त्म हुआ, वैसे ज्ञान व्यापी का भी काम ख़त्म होगा और भव्य शिव मंदिर अपने मूल रूप में आएंगे। तो पर विपक्ष तो बोल रहा है फब्बारा था वहाँ पर, केवल शिवलिंग क्या के केवल भ्रमित किया जा रहा है, ये तो अखिलेश जी का अपना सोच है, न उन्होंने देखा न कुछ बोला, मतलब समझा नहीं, तो अनर्गल आरोप लगाते हैं क्योंकि उनके इशारे पर कुछ नहीं, अखिलेश यादव का बयान नहीं है वहाँ पर, जो नहीं अखिलेश जी के इशारे पर कुछ लोगों ने वहाँ जो कमेटी में लोग थे उन लोगों ने कहा, तो निश्चित रूप से सच सच है
और सच्चाई कभी छिप नहीं सकती, और आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अब उस सच्चाई पर पर्दा डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो मुस्लिम समाज के अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि जब सच्चाई सामने आ गई है तो आप भी बड़ा दिल करिए, उसको छोड़िए और हमेशा का जो विवाद था ख़त्म करिए और भाईचारे की मिसाल पेश करिए। आप भी किसी के बहकावे मत आइए, ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, अभी 2022 में बुरी तरह चुनाव हारे हैं, आगे भी जनता इनको नकारेगी, इनके कहने पर इनके बहकावे मत आइए। आप जो सच्चाई उसके साथ आइए, और वहाँ पर शिव जी का स्थान था वो रहेगा और आगे भी पूर्ण रूप से बनेगा। रामनवास जी, पर अभी लगातार देख रहे हैं कि ये ज्ञानवापी वाला मस्जिद वाला मामला आया, ताजमहल है तेजो महल वाली बात आई, उसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह वाली बात चल रही है, इसके बाद अभी कहा जा रहा है कि जो कुतुब मीनार है उसके आसपास भी नरसिंह भगवान और भगवान श्री गणेश के अवशेष मिले हैं, चिन्ह मिले हैं, वो विष्णु स्तंभ है। तो ये लगातार धार्मिक इमारतों को भी राजनीति हो रही है, उसी की बात की जा रही है, उसी पे चर्चा हो रही है, उसी पे आदेश दिए जा रहे हैं और उसी पे याचिकाएं आ रही हैं। तो क्या मानते हैं, अलग तरह का दौर चल रहा है और विपक्ष का आरोप है ये चुनाव को देखते हुए? नहीं गौरव जी, मुस्लिम आक्रांतों ने आक्रांता जो आए थे वो भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उनको चर्च मिले, मंदिर मिले, तोड़ के मस्जिद बनाने का काम किया। आप देखिए फ्रांस में, इटली में इसी तरह चर्चों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। जब नई सरकारें आईं उन्होंने सर्वे करा के वहाँ की सारी मस्जिदों को तोड़वा के फिर चर्च बनवाया। उसी तरह भारत में भी हजारों मंदिर जिनको तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ये तो एक नमूना है जो दुनिया के आस्था केंद्र जो बहुत चर्चित नाम है। इसी तरह तो पूरे देश में करीब 3000 से ऊपर बड़ी बड़ी जो मंदिर थे उनको तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं। और मैं तो सरकार से और मुस्लिम पक्ष के लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो गलतियाँ आपके पूर्वजों ने की है सरकार के साथ आइए, और हिंदू भावनाओं का हित देखते हुए, उनकी भावनाओं का कद्र करते हुए उनको सौंपिए, विवाद खत्म करिए। क्योंकि आपको ही पता है, सच्चाई सबके सामने है कि जिस प्रकार से मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाने का काम किया, आप सच्चाई सबके सामने आ गई है, उसको स्वीकार करिए और जिंदा मछली निकलने का काम। स्वीकार करने की बात तो यहाँ हुई नहीं, यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जो वहाँ की अंजुमन इंतजामिया कमेटी है, उन्होंने याचिका दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। कुछ निगेटिव लोग हर समाज में होते हैं, वैसे मुस्लिम समाज में भी 90% अगर पॉजिटिव हैं तो 2-4-5% लोग निगेटिव हैं, जो जगह जगह कोर्ट में उलझाएंगे, अपनी नेतागिरी चमकाएंगे, जैसे वो इस दिन वैसी हैं, वो हमेशा उल्टा बोलेंगे, चाहे वो राष्ट्र के हित में हो चाहे खिलाफ हो, लेकिन उनका काम उल्टा बोलना। उसी तरह कुछ लोग मुस्लिम समाज में भी हैं जी। तो मेरा सबसे आग्रह है, और खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से मेरा आग्रह है कि बड़ा मन करिए और भाईचारा की एक मिसाल पेश करिए और छोड़िए, जहाँ जहाँ जिसका मंदिर था सर्वे होने दीजिए, उसको मंदिर दीजिए, और कहीं भी पूरे देश में एक भी मस्जिद एक मंदिर नहीं बना होगा जो मस्जिद तोड़ के बनाया गया होगा। आखिर मंदिरों का ही, हिंदुओं का ही मंदिर क्यों तोड़ा गया? क्योंकि हिंदू सहिष्णु था और उन पर अत्याचार करके मंदिर तोड़ा गया। तो आज समझिए कि जब आज पूरी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई है, तो इसको स्वीकार करिए और मंदिर जहाँ जहाँ हैं उनको हिंदू समाज को सौंपने का काम करिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता सपा के रूप में मीसम जरी मौजूद है। मीसम जी, पूरी बात सुनी आपने, पूरी हमारी बात सुनी, ज्ञानवापी मामला आपको पता है, अब रामनवास जी ने बयान दिया है कि विपक्ष के अपने ताने और विपक्ष के ही इशारों पर इस तरह के जो बयान होते हैं, याचिकाएं दाखिल होती हैं, क्या मानते हैं इस बात पर? मीसम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मीसम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी आ रही है। मीसम भाई, अभी आपने रामनवास जी के बयान सुने, क्या मानते हैं किस तरह की उन्होंने कहा है गंगा जमुनी तहजीब होनी चाहिए, उनको देना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि विपक्ष के इशारे पर ही वहाँ के जो विपक्ष है जो मस्जिद का, वो लगातार इस तरह से याचिका दाखिल कर रहा है और मामले को उलझा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे जी, कि आपके माध्यम से रामनिवास जी ने बात कही कि दिल बड़ा करके मुसलमानों को आना चाहिए और उस मस्जिद को हिंदू समाज को दे देना चाहिए जी। तो ये हमसे उपहार के रूप में मान रहे हैं या इसको इन्होंने वाकई मंदिर सिद्ध कर दिया है? क्योंकि अभी तो डिसीजन हुआ नहीं है, कोई डिसीजन तो कोर्ट से आया नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक इसके ऊपर पूर्ण रूप से कोई सच्चाई सामने नहीं आ जाती है, और अभी जो अवशेष वहां पर मिले हैं तो ये सिद्ध नहीं करते हैं कि वो शिवलिंग हो, क्योंकि मुगल के टाइम पर जो बनाई जाती थी मस्जिदें उसमें फव्वारा भी बनाया जाता था, वो भी सीमेंट और पत्थर का होता था, शिवलिंग भी पत्थर और सीमेंट का होता है। तो अभी ये बात सिद्ध नहीं होती है कि उसमें अभी मंदिर है कि मस्जिद है,
और रही दूसरी बात एक के जिस तरह से इन्होंने कहा कि बड़ा दिल करके अगर वहां पर अवशेष निकल आए हैं तो मस्जिद को हवाले कर देना चाहिए, तो मैं कहता हूं चलिए ठीक, अगर हम बड़ा दिल करके इसको दे देते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हमारे राम निवास जी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आपसे सरकार नहीं संभल पाई, ना ही आपसे महंगाई कम हो पाई, ना आप रोजगार दे पाए, ना आप बिजली दे पाए, ना किसानों का आप कर्ज माफ कर पाए, तो इस नैतिकता के आधार पर और प्रेम पूर्वक क्या अपनी सरकार को ये सरेंडर करा देंगे? अगर ये सरेंडर करा दे तो हम मंदिर मस्जिद को भी दे देंगे, हम आगे चल करके बात करेंगे। ये जाहिर सी बात है कि अगर वहां पर अच्छे सीखने हैं तो हम बड़ा दिल कर देंगे, और जो ये कस्में खा करके वादे खा करके आए थे पूरे करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये करने में नाकामयाब हुए, तो मैं पूछना चाहता हूँ गौरव जी को यही बताएंगे कि हम सरकार को सरेंडर कर देंगे क्या? महंगाई कम नहीं कर पाए, या ये सिर्फ जनता का ध्यान मंदिरों मस्जिद आक्रांताओं करे? मैं कहता हूँ अकबर दफन हो गए, बाबर चले गए, उनकी हड्डियां तक गल गई, वो सब मर के खत्म हो गए, अब भारत को आप विश्वगुरु बनाने के लिए आए हैं तो क्या इसी तरह से विश्वगुरु बनेगा कि भारत के अंदर श्रीलंका जैसा आप हाल करेंगे? अगर आप इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि ठीक है आप चाहते हैं कि मस्जिद को वापस कर दिया जाए, मंदिर को दे दिया जाए, तो जाहिर सी बात है प्रदेश की जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप महंगाई के ऊपर क्या ध्यान कर रहे हैं? आप रोजगार, पढ़ाई, शिक्षा, महिला अपराध, इन सब के ऊपर भी तो कुछ काम करना चाहिए आपको। इसके बारे में आपका क्या विचार है कि आप तो हमेशा इसी पुल जाए रहेंगे और हमेशा इसी की बात करेंगे? क्या जवाब है रामनिवास जी? जवाब लेते जवाब ले रहे रामनिवास जी। मिशम जी मेरे मित्र हैं, अब आपको जनता ने बेरोजगार कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी रोजगार आपको नहीं दे सकती, क्योंकि जनता लगातार आपको बेरोजगार कर रही, क्योंकि आप सही विषय रखते नहीं, आप जनता के हितों की बात करते नहीं, आप अपनी व्यक्तिगत बात करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं। आपके नेता तो पूरे अपने पीरियड में खाली अपने चाचा से लड़ते रहे, पिता से लड़ते रहे, जब उनका भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके नेता कहाँ हैं? उन्होंने कहीं महंगाई के विषय में बात की, कहीं बेरोजगारी के बारे में बात की? अगर आप लोग बेरोजगार हैं तो ये उत्तर प्रदेश जनता ने आपको बेरोजगार किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी खाली इतना योगदान है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम किए और उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सर पर बैठाया, लेकिन क्योंकि आपने जनता के हितों में काम नहीं किया, आप तो पूरे अपने कार्यकाल में गुंडागर्दी करते रहे, गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करते रहे, सरकारी जमीनों पर कब्जा करते रहे, तो जनता ने अगर आपको नकार दिया इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या दोष है? ये तो दोष आपका है, आपके नेताओं का है जिन्होंने अच्छी तरीके से काम नहीं किया। जनता आपको नकारती है, अगर जनता ने आपको नकार दिया, जनता ने आपको बेरोजगार कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ नहीं कर सकती। इनसे सवाल ही पूछना बहुत मुसीबत का काम है भैया। नहीं पूछे 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 मिसर भाई पूछ सकते हैं, पूछे पूछे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता है, पूछे पूछे पूछ सकते हैं मिसर भाई, पूछे करने लग जाते हैं। सरकार इनकी है, गवर्नमेंट इनकी है, दूसरा चरण भी इनको मिला है, दूसरी पारी भी खेलने को इनको मिली है, डबल इंजन की भी सरकार है, फिर ये मेरी ही बातें शुरू कर देते हैं, मेरी ही बात कर रहे हैं, मेरे ही सवालों का सवाल कर रहे हैं। अरे जवाब दीजिए, आपने ये कहा था कि मैं बिजली को माफ कर दूंगा, सरकारों का कर्ज माफ कर दूंगा, गन्ना किसान का भुगतान कर दूंगा, मैं महंगाई को कम कर दूंगा, पेट्रोल 20 रुपए 15 रुपए लीटर 40 रुपए लीटर कर दूंगा, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ और आप मेरी बात से शुरू कर देते हैं। आप तो चाहते ही नहीं कि विपक्ष रहे, आप तो चाहते हैं विपक्ष खत्म हो जाए, एक तरह से देश के अंदर लोकतंत्र खत्म होकर राजतंत्र शुरू हो जाए, आप तो राजतंत्र करना चाह रहे हैं। पर यहाँ पर हम तो हिंदू मुसलमान पर डिबेट ही नहीं करना चाहते, हम तो कह रहे हैं कोई चीज वहां पर निकली है, कोर्ट का डिसीजन है वो करेगी। क्या आपके बाबरी मस्जिद पर आने वाले निर्णय को क्या मुसलमानों ने नहीं जा रहा? क्या मुसलमानों ने उसका स्वागत नहीं किया? क्या मुसलमानों ने बड़ा दिल नहीं किया? आप बताइए कि कहीं एक क्यों भी हुई हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस वक्त बाबरी मस्जिद का फैसला आया, अरे हमसे ज्यादा संविधान की इज्जत कौन करता है? अगर मुसलमानों की बात आप करेंगे, मगर मैं यहाँ पर मुसलमानों का प्रवक्ता बनकर के नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ हिंदू मुसलमान करने नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर बात करने बैठा हूँ उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस की, उन जनता की जो बेरोजगार है, जो भूखे है, जो प्यासे है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, और देने के बाद राशन अब आप लेने का काम कर रहे हैं, अब आप धमका रहे हैं कि जिससे जिसने राशन लिया उसके हलक में डाल के निकाल लिया जाएगा। आप बात करिए प्रदेश की, आप मुखिया हैं, आप राजा हैं, आपके लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक तराजू, उनको तौलिए,
किसी को अलग अलग मत तौलिए। आप सबका साथ सबका विकास करने की बात आप करते हैं, तो जब सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं तो फिर आप उस मानकों पर क्यों नहीं चल रहे हैं? जवाब लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं, क्यों भटक जाते हैं? जवाब दीजिए राम नवास जी, आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। मीसम जैदी जी फ्रस्ट्रेट हैं क्योंकि अभी डेढ़ महीना पहले इनकी पार्टी बुरे तरह हारी है, उसके बाद जिस तरह से चाचा भतीजे में विवाद शुरू हो गया, इनको अपना भविष्य दिखने लगा इनकी पार्टी के लोगों को कि भविष्य हमारा अंधकारमय है। फिर भी मेरा आपसे आग्रह है कि आप कहीं कोई विषय सही लगता हो आप उसको सही तरीके से रखिए, लेकिन आप जो है आप मूल विषय पे आप आते नहीं, क्योंकि इसी तरह आपके नेता भी अनर्गल आरोप लगाते हैं, उसी तरह आप लगाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह भारतीय जनता पार्टी को परख चुकी है, एक बार नहीं 2014 में परखा, 2017 में परखा, 2019 परखा, 2022 परखा, हम तो उत्तर प्रदेश की जनता की परख पे बराबर खड़े उतर रहे हैं। ये तो आपका सोचने की विषय है कि आपके नेता 2014 में बुरी तरह हारे, 2017 में बुरी तरह हारे, 2019 में बुरी तरह हारे, 2022 में बुरी तरह हारे, अगर फिर भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तो भारतीय जनता पार्टी आपको रोजगार नहीं देती है। यहाँ मुद्दा ज्ञान भाभी मस्जिद का है, हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आजम खान जी हैं मुस्लिम स्कॉलर के रूप में। आजम जी क्या मानते हैं किस तरह से समाधान होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिला अदालत वहाँ फैसला दे, और लगातार इस मामले पक्ष विपक्ष के बीच खींचतान का माहौल है, सिबलिंग है नहीं है ये तो खैर सर्वे की रिपोर्ट में होगा, आगे क्या बताया जाता है। साथ ही साथ जो तस्वीरें जारी हुई हैं उन पर भी एक प्रश्न चिन्ह बनता है, ब्रह्म कमल भी मिलता है, अवशेष मिलते हैं, घंटे का भी वहाँ पर चिन्ह बताया जाता है। खैर जो भी फोटोज लीकी हुई उनकी अलग बात है, उन पर कार्रवाई भी की गई है, पर क्या मानते हैं कि इसका पटाक्षेप जरूरी है कोर्ट के माध्यम से ही हो? क्या आपसी सहमति से इसका पटाक्षेप नहीं हो सकता है? और सर्वे रिपोर्ट के बाद इसमें क्या फैसला आना बाकी है आपके मुताबिक? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये सपा भाजपा और बसपा का मुद्दा नहीं, बिल्कुल ये एक मंदिर और मस्जिद का मामला है जी, ये हिंदू और मुसलमानों का मामला है, बिल्कुल उन्हें फैसला करना है। और तीसरी तरफ एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुस्लिम है, और तीसरी तरफ जो है कोर्ट है, इसमें इन तीनों को मिलकर के ही फैसला सुनाना है, बिल्कुल इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सरकार का कोई प्रवक्ता अगर कहेगा कि साहब मैं इस मामले में ये करूंगा तो ये दखलंदाजी होगी, ये बिल्कुल शुद्ध रूप से हिंदू और मुसलमानों का मामला है। दूसरी बात, वो जो पूरा एरिया है जिसको मैंने देखा है, भौगोलिक जो स्थिति उसकी है जी, भौगोलिक स्थिति में आसपास ढेर सब मंदिर हैं, और एक हिस्से में एक कॉर्नर पर पूरब की तरफ ज्ञानवापी मस्जिद है। दुनिया में मुसलमानों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह काबा, और हिंदुओं के लिए पूरे दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह है काशी। काशी तो जितना काशी के लिए हमारे अंदर सम्मान है उतना ही मुसलमानों के अंदर काबा के लिए सम्मान है, बिल्कुल। लेकिन अब बात होती है कि दोनों दूसरे के धर्म को सम्मान रूप से देखें और उसका सम्मान करें और उसके बारे में कोई अनर्गल बातें ना करें जिससे किसी का दिल दुखे, बिल्कुल। मैं तो शुरू से भी राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के मामले में भी हमने कोशिश की थी कि मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाए, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं माने, अपना वो रखा था और हजारों लोग मार दिए, कुछ लोग वकालत चमका रहे थे और कुछ लोग अपनी राजनीतिक स्थिति को और मजबूत कर रहे थे। उसमें भी ये जो बात कहना कि साहब मुसलमानों ने उफ नहीं किया, मुसलमानों ने इसलिए उफ नहीं किया था क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहां पर आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा, वो सुप्रीम कोर्ट का, पर वो आदेश के बावजूद जफरयाब जिलानी जो कि नहीं, जफरयाब जिलानी के पास देखिए वो जो है लगातार बयानबाजी कर रहे थे, वो लगातार बयानबाजी इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था इसके अलावा, तो उसके लेकर के वो लगातार वो पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े रहे, टिकट बंटवारे में भी उनका हिस्सा वगैरह रहता था, जहां तक हमको आप ही लोग के माध्यम से पता चला, हम कोई हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है जी। लेकिन जब भी मौके पर बैठे तो हमने उनसे यही कहा कि प्लीज आप ये सब चीजों को खत्म कीजिए,
तो वहां भी मुसलमानों को बहुत मौका मिला था बड़ा दिल दिखलाने का। हमने बहुत इस बारे में कहा था कि बड़ा दिल दिखला दो, दे दो इस जगह को हमारे हिंदू भाइयों को बिल्कुल खामोशी से, ताकि कोई इस पर बहस ना हो। लेकिन वहां पर फैसला जब आया तो एक पक्ष जीता और दूसरा पक्ष हारा, यह था फैसला। तो जब जीता तब वहां पर जाकर के हिंदू पक्ष जीता, तो वहां पर क्या बनी, इस समय राम मंदिर निर्माण हो रहा। लेकिन उसके पीछे पूरे देश में कई दंगे हुए, बहुत से लोग मारे गए, बेगुनाह मारे गए। और जो असल मुद्दा है वो पीछे छूट जाता है, जो असल मुद्दा है देश का, देश के विकास के लिए, उस पर बात नहीं हो पाती है। बार बार इस तरह की चर्चा होना, देखिए मैं बहिस्त मुसलमान बात कर रहा हूं और ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं ओआईसी की तरह मुसलमानों का ठेकेदार नहीं हूं, लेकिन मैं अपने मुसलमान भाइयों से अपील कर सकता हूं, मैं बरगला नहीं सकता हूं, मैं उनको आतंक नहीं फैलाने दूंगा, मैं उससे उत्तेजक बातें नहीं कहूंगा, ये तो हम छीन लेंगे, हम नहीं देंगे, अब गई है बाबरी तो अब ज्ञानवापी नहीं जाने देंगे, इस तरह की बात करने से माहौल में नफरत पैदा होती है। और चूंकि वो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं तो इसका उनको फायदा होता है। हम जो बयान दे रहे हैं, मुझे अगर कोई बात पसंद नहीं आएगी तो हमारे पास भी ऐसा हुआ था कि एक बार मस्जिद में काली पोत दिया गया, कई जहां मुझे मारा पीटा भी गया, लेकिन मैं एक मिशन में लगा रहा कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। आज फिर मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि ज्ञानवापी मामले भी हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच एक मसला होना चाहिए, ये नहीं कि शिवलिंग निकलने के बाद ही कोई प्रूफ मिलने के बाद ही कोई बात हो। अगर दोनों पक्ष बैठ करके आपस में बात कर लेते, देख लेते। मैं तो कहता हूं आपके माध्यम से जी, और सुप्रीम कोर्ट के, हम हाई कोर्ट भी जाने वाले हैं इस मामले में, आज मैं आपको बता दूं, वो इसलिए मैं जाना चाहता हूं हाईकोर्ट इस मुद्दे को लेकर के, कि मैं चाहूंगा कि मस्जिद को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, इसमें गवर्नमेंट अपना सहयोग दे जो केंद्र सरकार है, और न्यायालय द्वारा इस प्रकार की एक वो बनाई जाए कि उस मस्जिद को, चूंकि पूरे एरिया में हमारे हिंदू भाइयों के देवी देवता वहां पर विराजमान है, वहां पर पूजा पाठ होती रहती है, तो अगर ये मुद्दा इतने दिन से चल रहा है तो क्यों ना एक रास्ता निकाला जाए कि सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से पहल हो कि साहब जो है, या फिर हिंदू समाज की तरफ से पहल हो कि भैया हम इस पूरे एरिया को आप हमको देंगे, मैं उससे भव्य मस्जिद बना देंगे। हम शिफ्टिंग की बात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप कोर्ट के पचड़े में पड़ेंगे तो उसमें इतने टेक्निकल पॉइंट्स हैं कि ये चलेगा मामला कम से कम 20 साल। पर आजम भाई समस्या ये भी है कि आप तो कह रहे हैं हिदर से दे दीजिए, और आप कह रहे हैं कि ये मामला हिंदू का है, है मुस्लिम का है, पर होता क्या जब बात देने की होती, बात होती है या शिफ्टिंग की बात होती है, शिफ्टिंग की बात पहले भी बाबरी मस्जिद पर कहिएगा, शिफ्टिंग की बात पहले ही बाबरी मस्जिद पे भी शिफ्टिंग की बात लगातार हो रही थी, पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस मामले को इतना गर्म किए रहती हैं कि सहमति नहीं बन पाती है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टियों को भी इस मामले में सकारात्मक पहल करनी चाहिए? देखिए पॉलिटिकल पार्टी को सबसे पहली बात तो आम हिंदू, एक आम मुसलमान, एक आम, आप किसी आम हिंदू से पूछेगा तो शिव की बात करेगा, वो महादेव की बात, वो बीजेपी और सपा और मुस्लिम नहीं देखेगा। उसने सुना कि साहब बाबा दर्शन दिए तो उसी में खुश हो गया, उसी में मिठाई बांटने लगा, तो अब उसमें कोई पॉलिटिकल रंग नहीं है, वो एक आम हिंदू है जिसकी आस्था है शिव जी, बिल्कुल समझे। तो जहां पर मामला आस्था का होता है तो बड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है। अब ऐसे में मेरी आपसे, मैं खुद आपसे माध्यम बता रहा हूँ कि मैं हाईकोर्ट जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि एक ऐसा रास्ता शिफ्टिंग वाला ही हमारी तरफ से प्रपोजल हो सकता है, बाकी मुस्लिम समाज इसे स्वीकार करे ना करे इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम एक जागरूकता का अभियान इस बारे में जरूर चलाएंगे जिस प्रकार से हमें राम मंदिर मामले में चला। हमारे साथ विकास मिश्रा सनातन महासभा से बैठे हुए हैं। विकास जी क्या मानते हैं कि लगातार चर्चाएं गर्म हैं और इस पर बयानबाजी भी हो रही है, और सर्वे रिपोर्ट को 2 दिन का समय और दिया गया है, और साथ ही साथ इस मामले का सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले चुका है और कहा है कि जिला अदालत इसमें फैसला सुनाए, क्या मानते हैं इसमें क्या होना चाहिए और क्या बेहतर विकल्प आगे हो सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए जहाँ तक अभी हमारे भाई आजम खान साहब ने कहा कि शिफ्टिंग का एक तरीका ये हाईकोर्ट में देना चाहते हैं,
और मुस्लिम भाई अगर इस पर एग्री करते हैं तो एक तरीका हो सकता है, ये बड़ा ही अच्छा तरीका है, बड़ा ही सुंदर तरीका है, हम इसका स्वागत करते हैं। दूसरा ये कहना चाहते हैं कि जब भी हिंदू और मुस्लिम के बीच का कोई मसला होता है और वो दोनों सॉल्व करना चाहते हैं, जैसा कि आपको अपने डिबेट में दिखाई पड़ रहा है, आजम खान साहब मुस्लिम पक्ष से हैं और मैं सनातन महासभा सनातन धर्म से हूँ, और हम दोनों ये कह रहे हैं कि हाँ इसका एक ऐसा आसान तरीका निकाला जा सकता है, परंतु एक चीज़ का थोड़ा सा दिक्कत है, मुझे किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे अभी एक भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मुस्लिम भाइयों को भी बड़ा दिल करके दे देना चाहिए, लेकिन उस पर जो हमारे सपा प्रवक्ता भीषम भाई ने कहा कि हम मुस्लिम भाई जो है बड़ा दिल करके मंदिर दे देते हैं, आप बड़ा दिल करके सरकार दे दें, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि एक राजनीति को लेकर के एक काम किया जा रहा है, सरकार को प्राप्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है, कुर्सी के लिए कार्य किया जा रहा है, जनता की आवाज़ को उठाने की तो इस तरीके की बात आप लोग ना करें, क्योंकि जब आप इस तरीके की बातें करते हो आप जनता की आवाज़ नहीं उठाते, आप अपनी चाहत के लिए लड़ रहे हैं और सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं। जनता यहाँ बैठी है, आजम खान साहब बैठे हैं, विकास मिश्रा सनातन महासभा से बैठे हैं, और दोनों इस बात से कहते हैं कि हाँ इसका हल एक आपसी सहमत से निकाला जाए, इसको कोर्ट कचहरी से ना निकाला जाए, और अगर कोर्ट के द्वारा भी इसका हल होता है तो इसको जो भी आता है, जो भी निर्णय आता है उसको सहर्ष स्वीकार किया जाए, ना कि देश में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जाए। हमारे साथ अंकुर सक्सेना जी रालोर से जुड़े हुए हैं। अंकुर भाई एडवोकेट भी हैं, ज्ञान जानकारी है कानून की, पर यहाँ पर रालोर प्रवक्ता के रूप में बैठे हुए हैं, क्या मानते हैं ज्ञान बाबी मस्जिद पर जो लगातार बयानबाजी जा रही है, बवाल जा रही है और ये मामला लगातार उलझता जा रहा है? मैंने सबको शांतिपूर्वक सुना है, तो जिस समय मैं बोलूं मेरी बात को प्रत्याप सुनिए सब, और बीच में इंटरप्शन ना करें, स्पेशली भाजपा के प्रवक्ता से मैं ये अनुरोध विशेष रूप से करता हूँ, क्योंकि आपका अनर्थ होने में बहुत टाइम नहीं लगता। देखिए सबसे बड़ी बात है, अभी आज जी ने एक शब्द का प्रयोग किया कि हिंदू और मुसलमानों का मसला है, मैं इस शब्द पे घोर आपत्ति करता हूँ, क्योंकि ये हिंदू मुसलमानों का मसला नहीं, ये अंदरूनी राइट में उत्तर प्रदेश में 14 लाख मुकदमे आज की डेट में पेंडिंग है, उसी तरीके से लोअर कोर्ट में करोड़ों की संख्या में मुकदमे पेंडिंग है, ये भी ठीक उसी तरीके का मुकदमा है, क्योंकि इसके जो पार्टी बने हैं मुकदमाबाजी 5 लोग हैं, 5 महिलाएं जिनने डिक्लेरेशन सूट दाखिल किया है, उस डिक्लेरेशन सूट में उनके इस बात के लिए ऑनरेबल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की है कि उस स्थान विशेष से उनको माँ गौरी श्रृंगार देवी जो है उनके पूजन की अनुमति दी जाए, तो इट्स लाइक अ डिक्लेरेशन सूट, उसमें उनने 130 करोड़ भारतीयों को या 100 करोड़ हिंदू या 25 करोड़ मुस्लिम को पक्ष या विपक्ष नहीं बनाया, तो ये हिंदू और मुस्लिम समुदाय का मुकदमा नहीं है, ये आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। हाँ इसमें एक चीज जरूर है, क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं से रिलेटेड मुकदमा है, तो इसमें आम जनमानस अपनी भावनाओं को समाहित पाता है, इस वजह से इस मुकदमे की अहमियत थोड़ा सा बढ़ जाती है, परंतु मैं फिर कहूंगा कि ये सिविल नेचर का टूट है, और उस सिविल नेचर के टूट में राजनीतिकरण करना कतई अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि है यादव जी ने तो ऐसे घोषणा कर दी कि जैसे आज की डेट में बहुत हम लोगों को भोलेनाथ या शिवलिंग को प्राप्त हुआ है, वो वास्तव में शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फव्वारे का पार्ट है, ठीक है, जब अंदरूनी कोर्ट में मामला पेंडिंग है, आज की डेट में कोर्ट में पेंडिंग है, अभी आप ही के चैनल के माध्यम से देख रहा था कि कमीशन की कार्रवाई में से अजय मिश्रा साहब को हटा दिया गया है, तीन चीजों पे बहुत ध्यान देने वाला बात होती है, बीइंग एज एन एडवोकेट मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, पहली बात जो फुटेज लीक हुई है, जो कमीशन की कार्रवाई थी पूर्तिया वो अपनी कार्रवाई थी, जो फुटेज लीक होना कानूनन अपराध है किसी भी न्यूज चैनल पे, या उसका सर्कुलेशन होना भी अपराध की श्रेणी में आता है, बिल्कुल। सेकंड बात है, कमीशन के संबंध में कोई भी व्यक्ति बयानबाजी नहीं कर सकता है, और कमीशन की रिपोर्ट गोपनीय रूप से अंदरूनी कोर्ट में दाखिल होनी चाहिए, कमीशन की रिपोर्ट को लेकर कोई भी टीका टिप्पणी कमीशन के मेंबरान भी नहीं कर सकते। तीसरी बात, अभी अजय मिश्रा साहब को आप ही के चैनल के माध्यम से जो आपने जानकारी दी, अजय मिश्रा साहब को कमीशन की कार्रवाई से हटा दिया गया, जब कमीशन की कार्रवाई कंप्लीट हो जाती तो कमीशन के ऊपर जितने भी कमीशन के लोग होते हैं बकायदा कमीशन के मेंबरान के हस्ताक्षर होते हैं, ऐसी स्थिति में अगर 3 लोगों का कमीशन में रहा है और 3 लोगों ने कमीशन किया और उनमें से एक को हटा दिया जाता है, तो 2 लोगों के साइन से अगर वो कमीशन रिपोर्ट दाखिल होती तो नेचुरल सी बात है कि वो कमीशन रिपोर्ट कोर्ट में नॉट एडमिसिबल होगी, उसी के विषय पे मुकदमा लड़ा जाएगा। और इन सबसे बड़ी बात है, केवल एक सर्वे रिपोर्ट या कमीशन जो होता है वो कंक्लूसिव प्रूफ मतलब निश्चयात्मक सबूत नहीं होता है, एज एविडेंस उससे कोर्ट रिलाई करने के लिए बाउंड नहीं है।
आप जिस चीज को कह रहे हो, जिस चीज पे आप पूरा केस लड़ रहे हो, जिस सर्वे रिपोर्ट के आधार पे आप कह रहे हो कि हमने ये मुकदमा जीत लिया है, वहां पे काशी में भोलेनाथ पाए गए हैं, शिव जी का प्रतिरूप है वो, हम लोग भी, मैं भी शिव जी का भक्त हूँ, मैं आपकी डिबेट में बैठा हूँ, मैं भी शिव जी का भक्त हूँ, हमेशा त्रिशूल धारण कराता हूँ, लेकिन मैं सत्य को शिव मानता हूँ, सत्यम शिवम सुंदरम की हमारे यहाँ मान्यता है, और हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म है वो कभी भी ये नहीं कहता है कि हम अपने धर्म को किसी के ऊपर आरोपित करें या किसी के धार्मिक सिंबल का क्या कहते हैं विरोध करें या धार्मिक सिंबल का मिसयूज करें। जब मामला कोर्ट में चल रहा है इसको हम लोग धार्मिक चश्मे से हटाना चाहिए, निश्चित रूप से कोर्ट ने अगर इस मुकदमे को दिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन आई उसमें कहा गया डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का, आप समझ रहे हैं ये अपने में कितनी बड़ी बात है। आपके चैनल पे एक लाइन में कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला न्यायाधीश लेवल के जो है, जिला न्यायाधीश महोदय डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो इस मुकदमे का सुनवाई और आदेश करेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है ये इतना संवेदनशील मुद्दा और इतना संवेदनशील मामला हो गया है कि इस मामले को माननीय जिला जज को क्षेत्राधिकार प्रदान कर दिया गया है। तो अब ऐसी स्थिति में ये भी देखने वाली बात होगी कि परसों जो रिपोर्ट दाखिल हो रही है क्या सिविल जज के आगे, कल तक अगर सुप्रीम कोर्ट की आदेश आ गया तो इसका मतलब आज रात में या कल सुबह पहले पहले ये ऑर्डर आया कि तालीय होगी कि वो जो फाइल है मूल पत्रावली है जो करने की, वो मूल पत्रावली माननीय जिला न्यायाधीश का ट्रांसफर होगी। तो अब वो जो कमीशन की रिपोर्ट है वो भी जिला न्यायाधीश महोदय क्या, वो कमीशन की रिपोर्ट दाखिल होगी। दूसरी बात है जो इससे भी बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, जब जिला न्यायाधीश के द्वारा किसी काम को किया जाएगा तो इसका मतलब है अब इसमें चाहे जो भी आदेश पारित हो, फाइनल जजमेंट जो भी आए, इसकी अपील सीधे ऑनरेबल हाईकोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक का। लेकिन मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश में मंत्री उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ और इलाहाबाद में 14 लाख से ज्यादा मुकदमे हमारे यहाँ पेंडिंग है, इसी तरीके से ये सिविल सूट का मुकदमा है, लाखों करोड़ों हमारे यहाँ रेवेन्यू के, लाखों करोड़ों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अपील होती है, सिविल कोर्ट होती है जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्षकार भाई पार्टी है, जिसमें बहुत से मुकदमे जमीनों से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, अगर हम उन मुकदमों को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं करते, ये सिविल नेचर का मुकदमा मानते हुए उसमें हम लोग कार्य करते हैं, तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है, आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये कथन है कि कम से कम आप लोग इस तरीके से कार्य करें, आप लोग इस तरीके से माने कि ये केवल एक सामान्य सिविल मुकदमा है और जब इसका परिणाम आएगा तो चाहे किसी भी पार्टी के पेपर में आए, पार्टी मतलब वादी मुकदमा या प्रतिवादी मुकदमा, उसको उसी रूप में अंगीकृत करना। तो आप बीजेपी प्रवक्ता के बयान से संतुष्ट नहीं है? देखिए यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैंने जो भी बात कही है टू द पॉइंट बात कही है, बीजेपी प्रवक्ता ने तो उसको ऐसे डिसाइड कर दिया, अभी ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट नहीं आया है, आप कोई जज छोड़ रही है, आप कोई न्यायाधीश छोड़ रही है, जब ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट आए उसके बाद आप अपनी कोई भी बात रखिए, जब तक कोर्ट के अंदर मामला है तो इनका कोर्ट में बैठा ऑनरेबल कोर्ट का कंटेंप्ट भी माना जा सकता है। पर अंकुर भाई ऐसे बयान तो पहले भी चले थे, जब बाबरी जो मुद्दा चल रहा था तब भी कहा जा रहा था कि कोर्ट अपना अलग आदेश देगा, पर हिंदू और मुस्लिम भाई दोनों मिलकर भी ये विवाद सुलझा सकते हैं, जैसे कि हमारे मुस्लिम स्कॉलर आजम भाई ने कहा है। गौरव भाई मैं फिर आपसे कहूंगा ये हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये केवल उन 5 वादियों का मुकदमा है जिन्होंने ये मुकदमा दाखिल किया है, मेन पार्टी वो है, उसके बाद आदमी अपनी पार्टी बन के सेपरेट सूट दाखिल करता चला गया, इसके अलावा वो जो मस्जिद ज्ञानवासी परिसर के ऊपर जो मस्जिद कमेटी बनी हुई है उस कमेटी के बिटवीन पार्टी बनी हुई है, तो वादी और प्रतिवादी तो वही है, तो इसको आप हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा कैसे कह सकते हैं? भैया ये हिंदू और मुस्लिम का ही मुद्दा है, वो जो 5 महिलाएं हैं उन्होंने मेला देखने के लिए परमिशन नहीं मांगी है कोर्ट से, वो 5ों महिलाएं जो हैं वो हिंदू हैं, उन्होंने कोर्ट से मेला देखने की परमिशन नहीं मांगी है, उन्होंने परमिशन मांगी आस्था के आधार पर कि जिसकी आपने परमिशन नहीं मिल रही है, साल में एक बार जहां पर पूजा होती थी जिस श्रृंगार गौरी के बारे में पूजा की आस्था को लेकर के उन्होंने अपनी बात कही है उस देखिए वो बिल्कुल शुद्ध रूप से धार्मिक मामला है, वो 5ों महिलाएं वो गौरी श्रृंगार करना चाहती है, वो चाहती है कि हमको किसी भी तरह की रोक टोक ना हो, मैं कभी भी जाऊं और कभी भी पूजा करूं, क्योंकि पिछली बार ये मना कर दिया गया था कि साल में एक बार पूजा होगी, ये शुद्ध रूप से धार्मिक। आपको मौका देंगे अंकुर भाई, आजम भाई बोलिए, अंकुर भाई अभी जवाब लेते हैं आपसे। हाँ बोलिए आजम भाई, कह रहे ना आपने कहा कि वो हिंदू मामला नहीं है, नहीं ये शुद्ध रूप से धार्मिक मामला है, वो 5ों महिलाओं की एप्लीकेशन, ये जानते हैं वकील साहब। आजम जी से मैं पूछ रहा हूँ, अगर शुद्ध
के बिंदु का मामला है जी। तो क्या उसमें पतंगा बाबी के रूप में अगर उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है और उसमें 17 करोड़ हिंदू भाई और बाकी मुस्लिम है, तो क्या वादी और प्रतिवादी के रूप में 17 करोड़ हिंदू पॉपुलेशन है उसके एवं प्रतिवादी के रूप में बाकी पर मंदिर के लिए श्रीमान वो 5 महिलाएं हिंदू है कि नहीं बताएं आप, और प्रतिवादी पक्ष मुसलमान है कि नहीं, प्रतिवादी पक्ष जो कमेटी है वो मुसलमान है कि नहीं है, ये 5 महिलाएं उस क्यों न्यायालय के द्वार पे गईं, उनको कौन सी प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं से आस्था से उनकी आस्था को ठेस लग रही थी, उनको पूजा करने में दिक्कत आ रही थी, उनको वहां पर जाकर के गौरी शंकर नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो 5 महिलाएं आई। देखिए सर 5 महिलाएं क्यों आई इसको आप स्पष्ट कीजिए। हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से दूर रहिए। मैं सर मैं हिंदू मुस्लिम के बारे वो 5 महिलाएं के अलावा भी हिंदू भी हैं, उनके क्या प्रॉब्लम है आप बता दीजिए, उनके क्या प्रॉब्लम नहीं, आखिर वो कोर्ट में क्यों गई, क्या क्या मजबूरी थी उन 5 महिलाओं की, क्या मजबूरी थी कि वो कोर्ट में गई, इसका जवाब दें आप। आजम जी आप बताइए घोषणानंद ने क्या प्रेयर की है, आप ये बता दीजिए केवल चैनल के माध्यम से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, प्रेयर बताइए। सिर्फ उनकी प्रेयर ये है कि हमको रेगुलर पूजा करने दिया जाए, रेगुलर डेली मामला है, रेगुलर ये घोषणात्मक बात होता है, नेचर सिविल टूट होता है, उनने अगर प्रेयर की घोषणा की है तो इसने उन 5 लोगों को महिलाओं की घोषणाओं को आप हिंदू मुस्लिम का चश्मा क्यों, लेकिन उन्होंने घोषणा नहीं किया सर, वो न्यायालय में याचिका दाखिल किया उन्होंने, उन्होंने कोई ये नहीं कि हम जबरदस्ती करेंगे, अगर वो महिलाओं को जबरदस्ती करती तो वो गलत बात थी, लेकिन वो महिलाएं प्रॉपर वे में कोर्ट के माध्यम से वो फैसला चाहती हैं कि मुझे भी श्रृंगार भारती में जो पूजा अर्चना होती है मुझको डेली करने जब चाहे हम कर सके। स्थिति स्पष्ट कर दूं सम्मानित चैनल के माध्यम से, वो याचिका नहीं है, वो आरएस है, रेगुलर सूट है, नियमित बात। सर आप वकील हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं, मैं तो एक साधारण भाषा में ही बताने की कोशिश करूंगा ताकि आम जनता जो सुन रही चैनल देख रही है उसको समझ सके, अगर मैं टेक्निकल भाषा का प्रयोग करूंगा तो जो व्यूवर्स हमारे हैं जो जनता देख रही है इस माध्यम से इस टीवी चैनल के माध्यम से वो इन टेक्निकल बातों को नहीं समझती है, वो सीधी सी बात ये जानती है कि महिलाएं गई हैं इनको पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए बस। आम जनता को इस बात को स्पष्ट होना चाहिए कि क्या सच हो रहा है, और अगर प्राइम टीवी के माध्यम से ये बात स्पष्ट हो रही है तो इस चैनल की मान्यता को सब लोग कल सलाम करेंगे। पर मामला अंकुर भाई मामला तो धार्मिक ही है, धार्मिक मामला ही है, इसमें पॉलिटिकल मामला नहीं, नहीं मामले को धार्मिक बना दिया गया, मैं जो अच्छा, बात कह रहा हूँ मामला विभिन्न टू पार्टी है और इस तरीके के लाखों मुकदमे यहाँ हाईकोर्ट तक में सुप्रीम कोर्ट तक में, विकास मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, एक पक्ष हिंदू है और एक पक्ष मुस्लिम है, विकास मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे राजनीतिक फायदा नहीं है, इसलिए उसको राजनीतिक चश्मे से देख, पर अभी तक पार्टियों का अंकुर भाई पर अभी ओबीसी छोड़ के किसी पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है तो पॉलिटिकल मामला तो माना नहीं जा सकता, ओबीसी जरूर बोल रहे हैं, बाकी किसी भी पार्टी ने अपना कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है जी। तो धार्मिक मामला ही कहलाएगा अंकुर भाई, अभी विकास मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, विकास मिश्रा जी बात पूरी करिए। अंकुर सक्सेना जी ने जो अभी लीगल पॉइंट्स बताए सर सुनने में बड़े अच्छे लगे और आपने टेक्निकल बहुत अच्छा बताया अभी, लेकिन जो बार बार आप ये कह रहे हैं धार्मिक मुद्दा नहीं है, इसको धर्म के चश्मे से ना देखें, हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देखें, तो आपके संज्ञान के लिए बता दें हिंदू और मुस्लिम का ही मामला है सर, चाहे एक रिक्वेस्ट दी गई हो कि हमें पूजा करने की अनुमति दी जाए तो पूजा हिंदुओं की संस्कृति है, और जहाँ पर प्रतिपक्ष आया उसने कहा कि भाई ये हमारी मस्जिद है, उस पर उसने अगर कुछ अपने प्रॉब्लम रखी तो वो मुस्लिम है, तो धार्मिक पक्ष ही होता है। दूसरा बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं देख रहा हूँ विपक्ष से सपा से मिशन जैदी जी बैठे हैं और रालोद से आप बैठे हैं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपकी बात सुनने बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब विपक्ष पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम देखते हैं जब भी कभी ऐसा मसला आता है तो आप हमेशा ये हिंदुओं के पक्ष में अगर कुछ होने वाला है या कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं तो आप लोग हमेशा कहने लगते हैं धर्म का नहीं है। और उसके बाद जब हमने देखा कि पत्थरबाजी हुई एक वहाँ पे कश्मीर में उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हुई तो आपको बड़ा दर्द होने लगा, इसी तरीके से आपके सरकार में 2015 में जब होली पड़ी
जब होली पड़ी और उसी के साथ जुम्मे की नमाज पढ़ी तो आपने होली 11 बजे बंद करवा दी, और जब भाजपा सरकार में इस बार ऐसे पड़ी तो दोनों चीजें सुचारू रूप से चलती रहीं और ना हिंदुओं को तकलीफ हुई ना मुस्लिमों को तकलीफ हुई। तो इस मुद्दे को आप ये राजनीतिक करना और ये सब करना मत करें, धार्मिक मुद्दा है और दोनों पक्ष यहाँ बैठे हैं, हिंदू पक्ष से मैं बैठा हूँ, मुस्लिम पक्ष से हमारे बहुत ही आजम खान साहब जो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं वो बैठे हुए हैं। सुनिए, पहले सुनिए, अभी मैं आपकी बात सुन रहा था तो आप मेरी बात सुन लें। हम दोनों बैठे हुए हैं और ये धार्मिक पक्ष ही है, तो अगर हम लोग एक अच्छा बात कर रहे हैं, एक सुचारू रूप से उसको सुलझाने की बात कर रहे हैं, तो आपको ये ना कहें कि वो राजनीतिक मुद्दा है, ये धार्मिक मुद्दा ही है सर। चलिए अंकुर भाई जवाब दीजिए, फिर मिशन भाई को लेते हैं। देखिए गौरव भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि आधा अधूरा, जैसे सनातन महासभा से भाई साहब ने बोला कि ये धार्मिक मुद्दा है, ठीक है, मुद्दा धार्मिक है इस तरीके से, तो 365 मुद्दे हैं हमारे यहाँ जिसमें हिंदू भी पक्षकार है मुस्लिम भी पक्षकार है, लेकिन उनसे उनसे राजनीतिक रूप से धार्मिक इमारतों का मुद्दा अभी फिलहाल यही आया है। अंकुर भाई, गौरव भाई सुनिए सुनिए, मैं पूरी बात कर लूं। जी, जी। जब उनसे राजनीतिक लाभ लेने की बारी आती है, हम तो आपके चैनल के माध्यम से अभी आप ही ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हम लोग विपक्ष में, लेकिन विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे पे कोई टीका टिप्पणी नहीं की। हम लोग तो अपना रोजी रोटी कपड़ा मकान की आम आवश्यकताओं की बात उठा रहे हैं, तब सनातन महासभा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है इस विषय पे कुछ बोलता नहीं है, या आजम खान भाई की तरफ से हिंदू मुस्लिम का कहा जाता है। हम तो इस बात का भी विरोध कर रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, उसमें क्या गलत बात हमने कही भाई? हम तो ये कह रहे हैं, हम तो ये मान रहे हैं हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं है हमारा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो रोजी रोटी कपड़ा मकान में, तो आप पहले उसको प्रोवाइड कराइए, बल्कि महंगाई कम कीजिए। चलिए मिशन भाई कुछ बोलना चाह रहा है, मिशन भाई की आवाज ले, फिर बयान आपको लेते हैं। मिशन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मिशन जी भाई, हमारे गौरव भाई हमारे साथी कह रहे थे कि मिशन देवी जो सपा का प्रवक्ता है उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, और वो कह रहे हैं कि अगर हम आपको सरेंडर करते हैं मुसलमान पक्ष, तो आपकी सरकार को सरेंडर कर दीजिए उत्तर प्रदेश की। तो हम ये जनता के लिए कह रहे हैं, ये हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं। देखिए इन्होंने मेरी बात को सही समझ से मुझे लगता है कि उस पर विचार नहीं किया, समझा नहीं जी। मैं इसी मुद्दे पे कह रहा था कि देखिए ऐसा महंगाई जो बढ़ रही है, जिस तरह से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, उसके मैंने अकॉर्डिंग ये बात कही कि देखिए ऐसा है कि अगर हम ये बड़ा मन करने की जो बात कह रहे हैं हमारे यादव जी, हमारे साथी प्रवक्ता, तो अगर हम ये दे देते हैं तो क्या ये संतुष्ट जाते हैं? और रही दूसरी बात जो आपने अभी कही हमारे साथी ने कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा और समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियां इसको मुद्दे को ढूंढती रहती हैं और इस तरह की बातें करती रहती हैं, और ये जनता का मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का है, और कोर्ट का मामला, और हम लोग आपस में सुलझा लेंगे। मगर आपको मैं ये बता दूं कि मान्यवर, इससे पहले जब अयोध्या के अंदर जब बाबरी मस्जिद को सरेंडर किया गया और जब बाबरी मस्जिद को कोर्ट का फैसला आने के बाद मुसलमानों ने माना, सहसा स्वीकार किया, तब यही बीजेपी वाले कह रहे थे कि रामलला को हम लेकर के आए हैं और रामलला मेरी वजह से आए, और जो रामलला को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह के गाने गा करके क्रेडिट ले रहे थे। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि शिव जी को हम ज्ञान वापी से छुड़ा करके लाए हैं। अगर हम दे भी देंगे गौरव जी, अगर हम पैसा से मस्जिद को हैंडओवर कर देते अपने हिंदू भाइयों को प्रेम पूर्वक मोहब्बत से, तो भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेगी कि हम ही ने ज्ञान वापी से शिव जी को छुड़ाया है, बंधक बने थे मुसलमानों द्वारा और छुड़ा करके लेकर के आए हैं। किस तरह से ये कहते हैं कि रामलला को हम लेकर के आए, इसके ऊपर साथी हमारे जो प्रवक्ता है हिंदू सभा से बैठे हिंदू समाज से, वो क्या जवाब देंगे? गौरव जी मैं यही चाहता हूँ कि जब ये बात तय हो और ज्ञान व्यापी को अगर स्वच्छता से या कोर्ट के माध्यम से किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो क्रेडिट न लेने पाए और इस तरह से फिर से उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को भ्रमित करके दोबारा सरकार न चले, विकास बोलना चाह रहे हैं। रोकना है अगर महंगाई को रोकना है और शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देना है, तो इस तरह की, आपको मैं बता दूं, इस तरह की सरकारों को रोकना होगा तो देश में अनर्गल बातें करके और अपने दूषित विचार और दूषित मानसिकता से प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान कराना चाह रही है। इस तरह की सामंतवादी सरकारों को अगर गौरव जी नहीं रोका गया, तो अनकरीब बहुत जल्द इस देश के अंदर श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। आपके दोनों जवाब के लिए विकास मिश्रा जवाब देना चाह रहा है, रामनिवास जी जवाब देना चाह रहा है, पहले विकास मिश्रा जी को लेने, विकास मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे? जैसा की हमारे सपा प्रवक्ता साहब ने पूछा है
कि इस विषय में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाजपा इसका इस मुद्दे का फायदा उठाती है, तो आपको बता दूं, आपको ज्ञान होना चाहिए कि जिस समय बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ उस समय कल्याण सिंह साहब की सरकार थी, वो भाजपा के नेता थे, जहां तक हमें ध्यान, शायद हमारा ज्ञान कम हो आपको ज्यादा हो, ठीक है। उसके बाद तो भाजपा सरकार को शायद दोबारा जल्दी आने का मौका नहीं मिला। तो अगर सिर्फ राम मंदिर मुद्दे पर अगर ये जीत रहे होते तो हमारे ख्याल से साहब इनको तुरंत आना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, एक सेकंड सुनिए, पहले मिशन साहब मैं आपकी बात सुन रहा था, पहले मेरी बात सुनिए, पहले सुन लीजिए, भाई सुन लीजिए, ठीक है। दूसरा, आपने ये कहा कि आप जैसा भी आप कह रहे हैं कि अगर इस समय मुस्लिम भाई मस्जिद मंदिर परिसर को हिंदू भाई सौंप देते हैं तो भाजपा उसका फायदा उठा लेती है, तो कहीं ना कहीं तो ये आपके विचारों में ये बू आ रही है कि आपको सत्ता का लालच सता रहा है और आपको लग रहा है कहीं भाजपा सरकार ना बना ले। आप आम आदमी के बारे में सोची कर रहे हैं साहब, आप तो खुले आम कह रहे हैं कि अगर अभी आप सर एक साथ सुन लीजिए, आपने कहा तो मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। आपने मुझसे पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि जब आप ये कह रहे हैं कि अगर इस समय ये मुद्दा आसानी से हल हो गया, यही कहने का आपका मतलब था, इसलिए मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ जनता भी समझ पाए, ये मुद्दा अगर आसानी से हल हो गया तो इसका क्रेडिट भाजपा उठा लेगी, तो सपा वाले क्या करेंगे, विपक्ष वाले क्या करेंगे, तो आप आम आदमी के लिए लड़ी कर रहे हो सर, आप सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहे हो, आप राजनीति आप कर रहे हो, ये तो आपके शब्द कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। भ्राता श्री, क्या आप इस सरकार से संतुष्ट हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से रोजगार की कमी है, जिस तरह से त्राहिमाम मची है, जिस तरह से अपराध हो रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि शिक्षा के स्तर पर गिरावट आ चुकी है, पढ़ाई और लिखाई की बात छोड़ के नौजवान गुम्मा इटर चला रहा है, वो चाहे किसी भी पक्ष का हो, जिस तरह से हिंदू मुसलमान की बातें शुरू हुई है भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद से, क्या आपको कहीं लगता नहीं है कि ये अच्छी तरफ देश जा रहा है? आप संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट हैं 106 रुपए का पेट्रोल लेकर के? जवाब जल्दी जवाब दीजिए विकास भैया, रामनवास जी को लेना है। 50 रुपए पेट्रोल देंगे तो आप 106 का पेट्रोल क्यों दे रहे हैं? जो रेट पहले था उससे जो रेट बढ़ा है उसका कारण कोरोना काल भी है, उसका कारण जो विश्व में युद्ध चल रहा है वो भी है। चलिए ठीक है, रामनवास जी सबके सुना आपने और लगातार यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं। अंकुर भाई का अपना पक्ष है, मीसम जरी का अपना पक्ष है, आजम भाई का अपना पक्ष है, विकास मिश्रा का अपना पक्ष है। क्या मानते हैं अभी जो इस तरह से मीसम भाई ने जवाब दिया है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जनता को भ्रमित कर रहा है, और अगर ये मुद्दा भी हल हो जाएगा तो इसका श्रेय बीजेपी ले जाएगी कि राम मंदिर का जब निर्माण का हुआ शुरू हुआ, बाबरी मस्जिद मुद्दा खत्म हुआ, तो बीजेपी वाले बोल रहे थे रामलला को लाए हैं। नहीं गौरव जी, निश्चित रूप से अगर कोई किसी के लिए काम करता है तो उसका श्रेय भी लेता है। हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर हम राम मंदिर के लिए पाँच पाँच अपनी सरकारें कुर्बान किए, लाखों हिंदू अब तक उसमें अपनी कुर्बानी दिए हैं, अगर आज उनके सबके प्रयास से वहाँ भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो हमको श्रेय लेने में कौन रोक सकता है? भाई ये तो कहते थे कि हम बावरी मस्जिद बनाएंगे, इनके नेता कहते थे कि हम बावरी मस्जिद बनाएंगे, हम कहते है हिम्मत इनकी, बना देते वहाँ, क्योंकि सच्चाई जनता के सामने आ चुकी थी, जनता को सच्चाई मालूम हो चुकी थी कि वहाँ राम मंदिर है, वही न्यायालय निर्णय कर दिया, वही निर्णय ज्ञानव्यापी में होने वाला है, क्योंकि पूरे देश जनता को, सारे हिंदू समाज को, मुस्लिम समाज सबको मालूम है कि जब चारों तरफ मंदिर ही मंदिर हैं, बीच में मस्जिद का जो तोड़ के बनाया गया वो गलत था, उस समय जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने तोड़ के बनाया और उन्होंने जो किया उसकी सजा आज तक पूरा देश भुगत रहा है। आपके एजेंडे में शामिल था रूप से? नहीं, हमारे एजेंडे में है और रहेगा, और हम मैंने स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जब तक ज्ञानवापी मथुरा सबका सही निर्णय नहीं होगा और जो जिसका उसको नहीं मिलेगा तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा, और मिसम भाई इनकी पार्टी के नेता ऐसे परेशान होकर हर बार अलग आरोप लगा के अपनी फजीहत कराते रहेंगे। मिसम भाई समय कम है, जल्दी जवाब दीजिए। 2024 का चुनावी मुद्दा हो गया, मैं यही बातें तो कहना चाह रहा था। प्राता श्री जो मेरे बैठे हैं, मैं इनको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये चुनावी मुद्दा हो गया, लाख आप चाहो ये कोर्ट का हिंदू मुसलमान के बीच का सौहार्द और प्रेम पूर्वक फैसला हो जाए, मगर मुद्दा इनका सिर्फ हिंदू मुसलमान है, मुद्दा सिर्फ इनका मंदिर मस्जिद है, ये कभी बात ही नहीं करना चाहते है पढ़ाई लिखाई पर, ये कभी बात ही नहीं करना चाहते शिक्षा विकास हो गया। चलिए चलिए, ये कभी बात ही नहीं। अंकुर भाई फाइनल कमेंट दीजिए, फिर चाचा का वो विराम देते हैं। अंकुर भाई जी, भाई ऐसा है कि जाति जैसी भावना वैसा उसको दिखता है, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे आजम भाई को और सनातन महासभा में भाई लोगों को दिख रहा है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, हमको दिख रहा है कि अगर इसको पार्टी विशेष का मुद्दा माने, न्यायालय की सर्वोपरिता को स्वीकार करें और जो संविधान के अंतर्गत हमको आपको सबको स्वतंत्रता दी गई है, संविधान
अंधेरी कोर्ट को अपोज करने और इस डिबेट में अपनी बात रखने की, उसी संविधान के अंतर्गत अगर कोर्ट के जजमेंट को मानने के बाद कोई टीका टिप्पणी करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पर ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। चले आप अपने बयान पे कायम है, आगे फिर चर्चा होगी। तो आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में आने का बहुत धन्यवाद। तो ज्ञानवापी मुद्दा है, जो मुद्दा है वो लगातार गरमाया हुआ है और लगातार बयानबाजी दौर जारी है। आज की चर्चा में जहां पर एक तरफ सकारात्मक पहल भी देखी गई, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप भी रहे, तो वहीं रालोद के प्रवक्ता अंकुर सक्सेना का कहना था कि ये मुद्दा ही धार्मिक नहीं है और ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। पर आने वाले समय में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा कितना आगे जाएगा, कोर्ट का क्या आदेश जाएगा, क्या होगा आगे जाके, और कौन कौन से बड़े मुद्दे समय आते रहेंगे और राजनीतिक बाजार को गर्म करते रहेंगे, किसके क्या बयान आते हैं, राजनीतिक दल क्या बयान देते हैं, आगे इस मामले में क्या प्रक्रिया चलती है, कोर्ट क्या आदेश देता है, वो वक्त बताएगा। पर एक बात तो साफ है, हर मामले का एक सकारात्मक पटाक्षेप होना चाहिए, क्योंकि जब जब मामला बढ़ेगा, जब जब मामला धार्मिक बनाया जाएगा, तो आपसी सौहार्द भी कम होगा और वो मुद्दा धीरे धीरे जाके धार्मिक मुद्दे से राजनीतिक बन जाएगा। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।